हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टमी टूल विद एंटरटेनमेंट। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता, जो एकदम झटपट बन जाता है और बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका। बहुत इजीली ये बन जाएगा घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। आइए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए आप। हमने यहाँ 4 से 5 कप पास्ता लिया है, इसे आप मैक्रोनी भी कह सकते हैं। हम इसी शेप का पास्ता प्रेफर करते हैं। ये बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत खाने में भी हैवी नहीं होता है। हम इसमें 2 टीस्पून ऑफ ऑयल डाल देंगे ताकि ये बॉईल होते हुए एक दूसरे से स्टिक ना हो। साथ ही साथ इसमें हम 1/2 स्पून सॉल्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से हिला देंगे। बस एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसे उतार के छन्नी में छान लेंगे। हमारे पास्ता अच्छे से बॉईल्ड हो चुके हैं। ये भी बहुत हॉट है, गर्म है। अब ये एक दूसरे से स्टिक ना हो इसलिए हम इसके ऊपर और 2 स्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से ठंडे होने पे स्टिक ना हो। फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे वेजीज और मेयोनीज़ के साथ। ये देखिए हमारे पास्ता कितने एक दूसरे से सेपरेटेड है। इन्हें ठंडा होने देंगे। 3 to 4 कप्स ऑफ पास्ता, जिसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है ऑयल और नमक डाल के, और बॉईल करने के बाद हमने ऊपर से भी ऑयल डाला है ताकि ये इसे एकदम सेपरेट रहे। ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। फिर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, मेयोनीज़, हमने यहाँ पे वेज मेयोनीज़ लिया है। आप अगर एग प्रेफर करते तो यू कैन टेक एग मेयोनीज़। नमक स्वाद अनुसार एंड बटर। वेजीज़ में आपको जो वेजीज़ पसंद है आप डाल सकते हैं, गार्लिक, स्प्रिंग अनियंस, कैप्सिकम, कैरेट बॉईल कर लिया था। आप और भी वेजीज़ डाल सकते हैं, अगर आपको बेल पेपर्स पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, ब्रोकली भी डाल सकते हैं, वेजीज़ आपके ऊपर है, एंड ऑलिव ऑयल। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले हम थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम हमारे वेजीज को फ्राई करेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ बटर डालेंगे। बटर और ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने ऑयल पहले इसलिए डाला था क्योंकि बटर को आप डायरेक्टली अगर आप पैन में डालेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम डालेंगे हमारे गार्लिक, स्प्रिंग अनियंस, बेल पेपर्स, एंड कैरेट। इसे अच्छे से सौते होने देंगे। मीडियम से थोड़ा ऊपर रखेंगे गैस को हम। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से और वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें 2 स्पून ऑफ, अच्छे बड़े 2 स्पून हम हमारा कॉर्न डाल देंगे इसमें, फ्रोजन कॉर्न। इसे हमने हल्का सा बॉईल कर लिया था। अब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड लिटिल सॉल्ट। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि पास्ता बॉईल करते टाइम हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। पास्ता में वेजीज आपको एकदम क्रिस्पी रखनी है तो ही आपको पास्ता का मज़ा आएगा। यू विल रिलिश इट एंड यू विल एन्जॉय इट। बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए फिर हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके
अपना सॉस बनाएंगे। इसी के बीच में आपको सॉस नहीं बनाना है, आपको वेजीज़ को अलग से निकाल लेना है एक प्लेट में, फिर सॉस बना के आपको ऊपर से वेजीज़ को डालना है। हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सौते कर लिया है। अब हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे और हमारी वेजीज़ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने हमारी वेजीज़ एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली है। अभी इसी पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल नहीं है, अगर आपके पास तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, इसे मेल्ट होने देंगे। जैसे ही आपका बटर मेल्ट हो जाए, आप इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज डालोगे। मेयोनीज को अच्छे से हिला लेंगे बटर में। अभी इसी स्टेप में हम 1 बिग कप ऑफ मिल्क ऐड कर देंगे। और इसे स्टर करते रहेंगे ताकि मेयोनीज़ के जो लम्स हैं वो अच्छे से मिल्क में मिक्सअप हो जाए। इसे हमें स्टर करते रहना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। हमारा मिल्क एंड पास्ता अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारा मिल्क और मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 बिग कप ऑफ पास्ता ऐड कर देंगे। गैस को आपको मीडियम ही रखना है। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब हम इसमें हमारे सौते किए हुए वेजीज ऐड कर देंगे। पास्ता हमेशा आप थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर का बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। पूरा ड्राई मत बनाइएगा। इसे हिलाते जाएंगे। नमक अगर आपको कम लग रहा है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ता और वेजीज दोनों में नमक है। यहाँ मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। बटर में भी नमक होता है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड बटर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, ऑरेगेनो ब्लैक पेपर एंड रेड चिली फ्लेक्स यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। और इसे स्टर कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंपल एंड इजी आपका क्रीमी पास्ता एकदम तैयार है खाने के लिए। इसे ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा वरना ये बहुत सूखा सूखा लगेगा खाने के लिए। लेट इट बी अ बिट क्रीमी एंड लेट द वेजीज बी क्रंची। बस इसे हम 1 मिनट के लिए गैस पे रहने देंगे और फिर सर्व कर देंगे। हमारा पास्ता एकदम रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। आइए हमारा पास्ता सर्व करते हैं। आप प्लेट में सर्व कीजिए, बाउल में सर्व कीजिए। इसे गरम गरम खाइए, एंजॉय कीजिए। वाइट पास्ता या आप इसे वाइट सॉस पास्ता कह सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसे हम कैरेट्स, 1 कैप्सिकम एंड लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता एकदम बनके तैयार है।
फ्रेंड्स इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस। इन्जॉय द क्रीमी टेक्सचर्ड व्हाइट सॉस पास्ता।